धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू अर्चना जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप थैंक यू कपिल हाँ चलिए अब मेरी तारीफ करिए तेरी तारीफ कैसे करूँ मैं तेरे जूते बहुत सेक्सी हैं बहुत अच्छे लेकिन तेरी शक्ल तो माशाल्लाह थैंक यू अर्चना जी अर्चना जी आज हमारे शो में कुछ बागी आ रहे हैं हाँ नहीं आपके फ्रेंड सर्कल में चंबल में से कोई नहीं आ रहा एक्चुअली हमारे यहाँ पे बागी 3 की स्टार कास्ट आ रही है तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं फिल्म के लीड स्टार्स को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम एंड टैलेंटेड एक्टर मिस्टर टाइगर श्रॉफ एंड वेरी ब्यूटीफुल वेरी चार्मिंग एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर वाओ क्या क्रेज है आप दोनों का वाओ जोरदार तालियां टाइगर और श्रद्धा के लिए टाइगर श्रद्धा आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों बड़े कमाल के लग रहे हैं श्रद्धा तुम तो डॉल लग रही हो बेबी डॉल कसम से मैं तो शो के बाद अपनी बच्ची के लिए ले जाऊं बेटे मैं ये लेके आया हूं आपके लिए पर अर्चना जी आपको पता है जब पहली बागी आई थी तो उसमें टाइगर के 4 पैक थे दूसरी बागी में 6 हो गए अभी अब तीसरी बागी में 8 हो गए अब देखना ये पैक पैक करके पूरा बार बनाएगा ऐसी कमाल की बॉडी के लिए बहुत बहुत बधाई आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है अभी साल शुरू ही हुआ है दूसरा महीना चल रहा है और दूसरे महीने में दूसरी पिक्चर आ रही श्रद्धा आपको बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू कितना टारगेट है आपका इस साल का कितनी फिल्में करनी है बस यही रिलीज है अभी इसके बाद इस साल इसके बाद अभी टाइम है टाइम और टाइगर आपकी कितनी है इसके बाद और कितनी आ रही सर इस साल होपिंग साल का लास्ट में या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर ओके नो मैं एक्चुअली ये सवाल मैंने पूछना नहीं था ये अर्चना जी मुझे पूछ रही थी ओके इन्होंने एक्चुअली क्या लिस्ट पूरे साल का खर्चा पूरा लिस्ट बनाने रहती ना अच्छा कल ही पूरे बैठ के ना अपनी डायरी पे लिख रही थी कि इस साल जो पिक्चरें आ रही हैं 5 श्रद्धा की आ रही हैं 3 टाइगर की आ रही हैं 8 आयुष्मान की 12 अक्षय पाजी की उसके हिसाब से चेक अब तो आप अपना खुद का ट्रक खरीद लो अभी रेंट पे चलाने की जरूरत नहीं है हाँ चल रहा है अच्छा बागी फर्स्ट आप सब लोगों ने देखी है बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म थी उसमें रोमांस ज्यादा था एक्शन कम था अब बागी 2 और 3 में एक्शन ज्यादा रोमांस कम है टाइगर हम क्या समझें कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए शुगर के साथ साथ रोमांस भी कम करना पड़ता है नहीं बहुत सिंपल सी बात है सर आपको बस टाइम पे सोना टाइम पे खाना बहुत बेसिक सा जनरल सी बात है तो पर यार ये ना काम बड़ा मेहनत वाला है थोड़े दिन तो टाइगर हो जाता है 1-2 दिन 4 दिन 6 दिन में जिम चला जाऊंगा लगातार जैसे आप कई सालों से कर रहे हैं वो नहीं होता उसके लिए क्या करना पड़ेगा हैं डिसिप्लिन मैं तो साल में फिर भी 6-7 दिन चला जाता हूँ तो पिछले 10 साल से नहीं गई उस हिसाब से झूठा बट रियली टाइगर कैसे मेंटेन करते हो रेगुलरिटी आई थिंक मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ मैं और ये काम का हिस्सा है टू बी इन शेप और अब वक्त है इस फिल्म में एक और अहम किरदार निभा रहे एक्टर और फिल्म के डायरेक्टर साहब को स्टेज पे बुलाने का जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम एंड वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर रितेश देशमुख एंड फेमस कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर मिस्टर अहमद खान रितेश भाई थैंक यू जी सर अब साफ करवा के आ जाता यार कुछ दाग अच्छे होते हैं मैं ना रितेश भाई का इतना बड़ा फैन हूं ना ये फिल्मों में विलेन बनते हैं हीरो बनते हैं कॉमेडी करते हैं कैरेक्टर रोल्स करते हैं प्रोड्यूसर भी हैं ये एंकर भी हैं ये रियलिटी शो के जज भी हैं कप्तान भी हैं रितेश भाई एक बात बताइए आप टैलेंटेड ज्यादा हो कि हर किसी के काम में उंगली करने की आदत है नहीं क्या है मेरे पास उंगली करने का कमाल का टैलेंट है आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है बैठिए अहमद भाई को आप सब जानते हैं बहुत ही कमाल के कोरियोग्राफर हैं बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं मैंने जब पहली फिल्म करी थी ना अर्चना जी किस किस को प्यार करूं उसमें मुझे कोरियोग्राफ किया था अहमद सर ने उसके बाद ये डायरेक्टर बन गए तो सर ये डायरेक्टर आपने पहले से सोचा था कि मेरा डांस देख के आप फील्ड ही छोड़ गए कि मेरे को करना ही नहीं है एक्चुअली मेरा एम था कि बस अभी इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ फिनिश रिटायर तब मैं डायरेक्टर बन गया तूने रिटायर करा दिया है अहमद को अरे ये क्यों नहीं पॉजिटिव वे से क्यों नहीं ले रही मैंने उनको मौका दिया डायरेक्टर बनने का सर सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक बड़ा ही कमाल का ट्रेलर लग रहा है अच्छा पहले फिल्मों में होता था एक लात मार के हीरो तो विलन को गिरा देता था टाइगर ने नया ट्रेंड शुरू किया
एक लात मारता है, फिर उसी लात से रोकता है, फिर छह सात और मार के ना फिनिश करके फेंकता है. सर फिल्म बड़ी महंगी ज्यादा नहीं लग रही कुछ? ये आपको पूछना चाहिए साजिद नडियाड वाला को. वो दिलेर प्रोड्यूसर है वैसे. नहीं, उनकी पॉकेट ही नहीं है. एक प्रोड्यूसर बोलते हैं ना, इसको डीप पॉकेट्स. दिस प्रोड्यूसर डजंट हैव पॉकेट्स. आप हाथ डालते रहो, वहां तक निकल जाएगा हाथ. पर नहीं सर, बड़े मतलब ये फिल्म देख के लग रहा है कि हम लोग कह सकते हैं हॉलीवुड वाला, हमारा अपना एक्शन हीरो ऐसा कमाल का आया. क्या बात है. रितेश भाई ना खुद इतने शरारती है ना, लेकिन इतना भोला सा, मेरी हंसी निकल गई आपको देख के. पता कितने भोले से इंस्पेक्टर बनाए रहो नहीं. पर बड़े क्यूट लग रहे भाई आप. अच्छा, बागी 2 भी अहमद सर ने डायरेक्ट की थी, और वो रिलीज होने से पहले ही साजिद नाडियाड वाला जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि बागी 3 बनाएंगे. तो उनको आपका इतना काम पसंद आया था कि आपके पास उनका कोई वीडियो है. ये मेरा क्वेश्चन चल रहा है, मैं पूछता रहूंगा. दो तीन वीडियो है देखे हमने. काफी है ना. तो एक्चुअली वही है, जब रिलीज होने वाला था मैं दिखा देता हूँ. साजिद भाई अनाउंस. बोला आप अनाउंस करो ना, तो मैं अनाउंस कर दूंगा. बस सर ये बड़ी कमाल की फिल्म है और इसकी फ्रेंचाइज आनी चाहिए. कितने भी पार्ट बनाओ सर, मजा आता है बड़ा देख के. अच्छा, इस फिल्म में गुंडे श्रद्धा को छोड़ के रितेश भाई को उठा के ले जाते हैं. तो हम क्या समझेंगे, इस फिल्म में आपका ग्लैमर कम हुआ है या रितेश भाई का ज्यादा हो रहा है? मेरी कम सिन जवानी उनको ज्यादा पसंद आई है. रितेश भाई कोई भी करेक्टर करते पूरा उसमें घुसते हैं. और अभी ना हाल ही में सैफ अली खान साहब आए थे, हमने उनको आपका एक फोटोग्राफ दिखाया जिसमें आप लड़की बने हुए थे. बड़ी कमाल की लड़की बनते, मैं दिखाता हूँ आपको. उन्होंने क्या कहा था आपके बारे में, आपको तो बड़ी सारी हीरोइन बोलती हैं हम किडनैप करना चाहती हैं आपको. मैं कुछ हीरोइंस की फोटो दिखाता हूँ. Okay. आप बताना आपको कौन सी सुंदर लगती है, आप किसे किडनैप करना चाहेंगे? Okay. फोटोग्राफ्स दिखाइए. ऑल ब्यूटीफुल, किडनैप देम ऑल. पहले देख लो आप एक बार, हो सकता है मूड बदल जाए. रितेश, ओ माय डार्लिंग रितेश. हेलो किड देशमुख. यस. और क्या फिगर लग रहा है रितेश का ना. अरे दिस फ्रॉम हमशकल. यस, ही इज ब्यूटीफुल. वाओ, ये बोलना नहीं चाहिए अगेन टीवी पे, लेकिन जब ये अपना साइज डिसाइड कर रहे थे तो मेरी राय उन्होंने ली. तो मैंने कहा कि द मोर द बेटर, यू नो. उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत क्लासी हूँ तो मैं थोड़ा एक स्लिम फिगर बनाऊंगा. ओह रितेश. अगले दिन गाने की शूटिंग थी. हाँ. और हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग कौन से कॉस्ट्यूम पहनेंगे, कौन से रंग का पहनेंगे. तो मोर द बेटर में डिस्कशन सैफ ने निकाला कि तुम कैसे लगने वाले हो. मैं ठीक ठाक लगने वाला हूँ, इससे मैं थोड़ा ज़्यादा लग सकता हूँ. और आपने स्कर्ट किसकी पहनी वो भी बता दीजिए. इन्होंने मुझे जिनिले की स्कर्ट पहना दी. तो वो गाने में वो जिनिले की स्कर्ट पहनकर मैंने पूरा गाना किया. वाह, सुपर. या या. Really? बट बात ये कि मेरा और जिनिले का फिगर कुछ घर में पैंट कौन पहनता है पता नहीं, लेकिन स्कर्ट मैं पहनता. इस फिल्म में श्रद्धा बड़ी बड़ी गालियां दे रही हैं, काफी ऐसा इनका रोल है, कैरेक्टर है. बीप. मैं खुद ही सेंसर कर देती हूँ. हाँ, खुद ही. रेड वेलवेट केक. रेड वेलवेट केक. ये गालियां आपको पहले से आती थी या अर्चना जी का आपने कोर्स ज्वाइन किया है? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये बड़ी मेथड एक्टर है अर्चना जी. तो इनका सीधा है कि पहले दो गाली दो, नई बात बने टांगे तोड़ दो. श्रद्धा वैसे आपने लाइफ में कभी गाली तो नहीं दी होगी? बिल्कुल नहीं. कितनी प्यारी लग रही है श्रद्धा. नहीं, पर मैं जो इस कैरेक्टर का रिदम है गाली देने का, तो वो काफी मतलब सर ने कहा कि एकदम नेचुरली आना चाहिए. तो बीच सेंटेंस में, अरे इसकी माँ जो भी. अच्छा. मतलब एकदम साइड से एकदम नेचुरली उसको इंक्लूड करना है. जो गालियों का भी मीटर होता है, मतलब होता है. डिपेंड्स किसको दे रहे हो और कब. तो इनकी जो फर्स्ट डे शूट कर रहे थे एंड इनका था, तो शी वॉज वॉकिंग एंड माई वाइफ सेड व्हाट इज श्रद्धा रिहर्सिंग, एंड श्रद्धा वॉज रिहर्सिंग. डायलॉग की रिहर्सल तो सुनी थी यार, ये गालियों की रिहर्सल भी हो रही थी. क्योंकि इन्होंने कभी दी नहीं, इसलिए रिहर्सल कर रहा हूँ. हाँ. जो देते हैं उनको अभी मतलब हमें ले लेते हैं आप फिल्म में. अर्चना मैम, आप टिकटॉक पे हो? नहीं. आपको पता टिकटॉक का सबसे बड़ा स्टार कौन है? रितेश.
एक वीडियो तो मैंने देखी आपकी 175 मिलियन पता नहीं व्हाट ऐसे कुछ 190 ऐसा क्या किया उस वीडियो में नहीं नहीं बड़ी नॉर्मल वीडियो है ले लो पर ये इतने वायरल हो रहे हैं ना सोचो अगर कुछ करता तो कहां पर इतने वायरल हो रहे रितेश भाई के वीडियो मतलब ये जो जिन्होंने टिकटॉक बनाया ना चाइनीस आदमी ने उसने कहा था कि ये ऐप मैंने टाइम पास के लिए बनाई है तो सवाल मेरा फिर वही है कि आपके पास टैलेंट ज्यादा है कि टाइम बहुत ज्यादा है क्या है ना कपिल भाई बात ये है कि 15 साल से कोशिश मैंने की फिल्म स्टार तो बना नहीं 3 महीने में टिकटॉक स्टार बन गया पर बड़े मजेदार होते भाई बड़ी दुनिया है टिकटॉक पे उन्होंने अनिल सर को भी इंट्रोड्यूस किया अनिल कपूर साहब को मुझे पता है मेरे को टिकटॉक बजाना है मैं कहा बस करो सर तो उनको कहा भी गया था कि सर ये बच्चों के लिए मैं भी तो बच्चा हूँ Baaghi 3 in the house! In the house! Yeah! Yeah. Hello, Tiger. Hello, Shraddha. Hello. Hello, Riteish ji. Hello, sir. Hello, Ahmed, sir. Hello. Hello, 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 hello. My project hello, bol raha koi phone kyun nahi utha rahe? Main aata hi apna sabse acha wala faltu baat kar di. Hey, again, aap log idhar, sir. Come for the promotion of Baaghi 3? Yeah. इत्तफाक का बात देखिए परसों ही मेरा गर्लफ्रेंड मेरा घर से भागी थी भागी थी अब देख रहे हाँ देख रहे आपको फोन का प्रमोशन कर लिए मैं अपना गर्लफ्रेंड को भगा दिया पर रितेश जी सर सो आई एम अ यू फैट और योर्स मतलब ये मेरा नुश कसीबी है कि आपसे आज मुकालात हुआ नुश कसीबी नहीं बस खुश नसीबी हाँ तो मैं मुकालात भी गलत बोला वो भी सुधारो मेरा शब्दावली सुधारने का ठेका लिए है तो पूरा सुधारो ब्रो आधा क्यों सुधार रहे मैं तो सही में बोल रहे सर आप ये आदमी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं ये 2-3 घंटा लगाएगा आपको सब प्रमोशन करने में मेरे पे छोड़ो मैं 2-3 मिनट में पूरा प्रमोशन कर देंगे फिर आप भी फ्री मैं भी फ्री Baaghi 3 Baaghi 3 Baaghi 3 Baaghi 3 Baaghi 3 Baaghi 3 और मैंने प्यार प्यार में सलमान के साथ कौन Baaghi 3 Similar, Baaghi 3. Baaghi 3. क्या हो गया? क्या हो गया? आपके क्यों बोचा के निकल रहे हैं? बोचा के? अच्छा, हो गया तेरा? नहीं, picture अभी Baaghi है मेरे तो. क्या बात है? क्या बात है? बहुत अच्छा था. वैसे, Riteish sir, आपसे एक बात जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक था. There was this film आपके आए थे जिसमें आप बोलते हैं कि मेरा ले भारी है मेरा हाथ भारी है टांग भारी है ये भारी है वो भारी है तो अभी आप सीरिया गए छोटा सा लफड़ा हुए तुरंत भाई को फोन क्यों किया आपका भारी वाला लाइक किधर गए दो जवाब उधर भारी वाला लाइक हल्का हो गए क्योंकि मेरा भाई ले भारी है मानना पड़ेगा लेकिन टाइगर सर क्या लग रहे हैं आप फिल्म में मैं ट्रेलर देखे ओ गॉड लेकिन इट्स लाइक रियली कूल या बहुत अच्छे लग रहे हैं मैं खाली पूछ रहे थे कि मैं अभी आपका पहला फिल्म आया था सर वॉर नाम के उसमें आप वो राकेश रोशन जी के बेटे के साथ लड़ाई कर रहे हैं सीधा ऋतिक रोशन की नहीं बात Baaghi 2 में आप वो राज बब्बर जी के बेटे के साथ लड़ाई कर रहे हैं ऐसा सबके साथ लड़ाई करेगे ना सर तो ऐसा इंडस्ट्री में व्यवहार खराब हो गया इतना लड़ाई सर अच्छी नहीं है मैं आपके लिए कुछ लाए है ये मोती है सर ये मोती है सर अपना बायां हाथ का दायां उंगली में पहनिए अच्छा। इससे आपका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा ओए ये फिल्म में डिमांड होती है इसलिए लड़ते हैं वो You think I don't know that? Of course I know, bro. मेरे को पता है. मैं सर आपको देखे हैं.
इतना 15 लोग ऐसा मशीन गन लेके ऐसा गोली चला रहे हैं, ये अपना शर्ट उतार के बेयर चेस्ट ऐसा चल के उनके सामने जा रहे हैं। सर मैं तो देख के डर गए थे, मतलब कि इतना धूप में ऐसा बेयर चेस्ट आप जा रहे किधर आपका बॉडी टैन ना हो जाए। मतलब गोली का डर नहीं है तेरे को, बॉडी टैन हो जाने का डर है? गोली तो ब्रो, गोली उनको कैसे लग सकती है? क्यों? अरे सर, डायरेक्टर साहब को सरकार को भी तो जवाब देने है, सरकार से पंगा थोड़ी लेंगे। इसमें सरकार कहां से आ गई? सरकार बोला है सेव द टाइगर ब्रो। बाय चांस टाइगर को गोली लग गए तो इनका तो डायरेक्शन का लाइसेंस जब्त हो जाएंगे, एक ना ही? इतना रिस्क बड़ा कोई नहीं लेते है। और तुम भी यार कैसे बात करते हैं एकदम, वो अपना क्या बोलते हैं उसको, वो कीचड़ में क्या खिलता है, कमल, हाँ कमल का बात करता है यार यार। वैसे श्रद्धा जी, she can't stop laughing. अब वो प्यारे लग रहे हैं, थैंक यू, बहुत ही खुशबूरत लग रहे हैं। मैं आपसे एक इल्तजा करेंगे, आपके पिताजी है शक्ति कपूर, आप उनके साथ ना बना के रखो। क्यों? क्योंकि पिताजी सिर्फ घर में है, बाहर वो क्राइम मास्टर गोगो है। और मेरे को बताइए, ऐसा घर में कभी पूरा परिवार मिलके आप लोग खेलते हैं तो आप लोग खो खो खेलते हैं कि गोगो खेलते हैं? ये बहुत ऐसे वाले थे। मैं आपके पिताजी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, ये क्या उनको दीजिएगा? नहीं, मैं बोल रहे हैं कि वो सबका आग निकाल के गोटी क्यों खेलते हैं, ये है ना, इससे खेलो। थैंक यू। बस दे दीजिए, मैं एक और आपको सलाह दे सकते हैं। सलाह इस वक्त एडवाइस, आप ना इधर इतना बड़ा इतना फिल्म करते हैं, आप इधर आते रहते हैं तो आते जाते इतना टाइम लगते हैं आने जाने में, आई मीन फिर ऑब्वियसली गाड़ी पेट्रोल ये सब इतना खर्चा भी होते हैं, तो मेरा खाली सलाह है, आप मेरे से शादी करके इधर सेटल क्यों ना हो जाते? ओए, ये क्या बोल रहा है? ब्रो मैं डायरेक्ट ऐसा शादी का बात करेंगे तो ना बोल देंगे, तुम्हें थोड़ा फायदा दिखाए। कुछ फायदा हो गया तो शायद मान भी जाए, you never know, you know? लेकिन मैं खाली पूछ रहे कि अगर शादी का बात निकले तो आपके तरफ से हाँ है कि ना है? ना है, साथ में थप्पड़। ना है? हाँ, साथ में थप्पड़। मैं जीत गए। कैसे? मैं शर्त जीत गए। क्या शर्त? सर मैं अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाए थे कि मैं अगर शादी का प्रपोज करेंगे तो ये ना बोलेंगे कि हाँ बोलेंगे, ये ना बोले तो मैं शर्त जीत गए, मैं बोले तो ये ना ही बोलेंगे। लेकिन सबसे इत्तेफाक का बात देखिए, मैं जो दोस्त लोग के साथ शर्त लगाए थे वो लोग भी जीत गए क्योंकि वो लोग भी ना ही बोले थे। ये बता कैसे शर्त है, सब लोग जीत गए कोई हारे ही नहीं। उसमें क्या बागी रहा? मैं एक्चुअली, आप इतना सारा फिल्म बनाते हैं सर, एक मेरे को लेके बनाओ ना फिल्म। इनके लिए बागी बनाई, तेरे लिए हाथी बनाएंगे। नहीं, इनको मैंने लिए, बागी 3 में है। अच्छा, आप लोगों ने देखा नहीं? ना। किधर? नहीं देखा आपने? मैं भी नहीं। वो श्रद्धा जिस चीज के आगे भाग रही थी, टैंक। हाँ। हाँ, उसके वो भी था, निकाल के दिखा, गोला निकाल इसमें से। सर आप मेरे को लेके हाथी बनाओ, टैंक बनाओ, मेरे को सब चलेगे, बनाओ। और आपका ये फिल्म में कैरेक्टर में घुसने के लिए मैं अपने आप को वो भी कर लेंगे, वो नवंबर दिसंबर में कौन सा मौसम आते हैं? जाड़े का। जाड़ा, जाड़ा, मैं अपने आप को जाड़ा भी कर लेंगे आपके फिल्म के कैरेक्टर के लिए। ये नहीं कि टाइगर से कुछ सीखे, फिट हो जाए थोड़ा। नो ब्रो, नो सर, मैं फ्रेंकली बोल रही है, आप 4-5 घंटा जो मेहनत करते हैं, लाइक ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, इतना नहीं करने चाहिए। क्यों? नहीं सर, क्या होते हैं, मैं फ्रेंकली बोल रही है, आप जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं इतना टाइम तक, तो आपका देखो पीछे घर में क्या हुए, बागी में आपका गर्लफ्रेंड किडनैप हो गए, बागी 2 में आपका एक्स गर्लफ्रेंड का बच्ची किडनैप हो गए, बागी 3 में आपका भाई किडनैप, घर में रहो ना ब्रो। घर में रहेंगे तो कोई किडनैप नहीं होएंगे। सही बात है। आप घर से बाहर रहते हैं तो ये सब हो रहे हैं। टेंशन मत लो, हम दोनों बॉडी बाद में भी बना लेंगे ब्रो। अच्छा तो कुछ भी बोले जा रहा है, ट्रेलर देखा तूने फिल्म का? मैं, वो मैन,
क्या मेरे तो हक्के बक्के बहुत चक्के निकल गए. Sir, I'm sorry, मेरे को एक फोन आया मेरे मेरे भतीजी का फोन है. भतीजी का एक मिनट. ये बेबी हाँ क्या हो गया बाबा. हाँ टाइगर सर इधर ही है पूछनी है. हाँ मैं पूछ एक मिनट एक मिनट. सर मेरा भतीजी है वो एग्जाम दे रहे है तो उसको एग्जाम में वर्ल्ड मैप बना रहे है तो वो पूछ रहे है कि सीरिया अभी भी है. सर सीरिया है कि आप निकाल दिए. उनको बोलो फिलहाल है. आप एग्जाम में लिख दो कि ये जवाब जानने के लिए देखो बागी थ्री. देखिए सर बागी थ्री अभी सब टीचर भी एक और फोन में बहुत बिजी आदमी है. मैं बहुत फेमस आदमी है ना तो एक सिंगर है दुआ लीपा यू नो दुआ लीपा वो मेरे को फोन कर रहे हैं. मैं बात करेंगे. हाँ दुआ लीपा क्या हो गए क्या तुम्हारे घर में बहुत दुआ दुआ हो रहे हैं. वो तो तुम्हारे घर में लीपा पोती का काम चालू है तो इसके लिए थोड़ा दुआ दुआ तो ओके. और क्या वो लिप जॉब की वजह से तुम्हारा लिप लीपा हो गया. तो एक काम मैं ऊपर वाले से दुआ मांगेंगे कि तुम्हारा लिप लीपा से वापस लिप हो जाए. तुम टेंशन मत लो ओके okay? दुआओं में याद रखना मैं फोन काट रहे हैं. मेरे को अभी थोड़ा अर्जेंटली जाने होंगे. क्या है कि मेरा गर्लफ्रेंड का शादी है तो उधर सबको फ्री खाना बांट रहे हैं वो लोग तो मैं अभी जाएंगे. ठीक है सर. ऑलराइट नाइस टू सी यू. ऑलराइट नाइस टू सी यू ब्रो. थैंक यू. मैं अभी जाएंगे. ऑलराइट थैंक यू. आई विल सी यू. टेक केयर ब्रो. यो अच्छा टाइगर श्रद्धा ने बागी थ्री में एक नया गाना जो है रिक्रिएट किया है जो जीतू सर का और श्रीदेवी जी का बड़ा फेमस गाना था बंकस. टाइगर आपके डांस मूव्स हम सब ने देखे हैं फिल्मों में. बड़ा फास्ट फास्ट डांस करते हैं आप. गाना 3 मिनट का होता है ना 2.5 मिनट में करके निकल जाते हैं. आपको मुश्किल नहीं लगा कि स्लो स्लो स्टेप्स करने. ये एक्चुअली मेरा स्टाइल के बाहर था एक्चुअली तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे और मैंने बस अपने आप को हवाले कर दिया अहमद सर को और गणेश मास्टर जी को और जो रिजल्ट आया है आप सबने शायद देखा होगा. कोशिश तो की है मैंने. तो आपने खुद क्यों नहीं किया वो डायरेक्ट गाना गणेश सर को क्यों दिया. ओ गणेश एक मेरा लकी मैस्कॉट है. ऐसा करना जरूरी था. टाइगर का जो स्टाइल था उससे टाइगर को ना डिस्कम्फर्ट में डालना था. अच्छा बट ही डिड इट सो कम्फर्टेबली दैट जेन्युइनली जो आपने कहा ना गाना था 3 दिन का एक्चुअली 2.5 दिन में हो गया था. राइट वाओ. एक और एक एक्शन सीक्वेंस है जिसमें रोप को पकड़ के टाइगर जो है सीधा तो कोई भी भाग लेता है ये ऐसे भाग रहे हैं मतलब पैर ऐसे कर दो और ऐसे भाग रहे हैं. वो भी मुझे अहमद सर ने बताया कि वो 1 घंटे में इन्होंने पूरा सीक्वेंस जो है फिनिश करना दिया. पड़ा बिकॉज जेन्युइनली वी हैड अबाउट 500-600 कार्स स्टैक्ड अप एंड द VFX हमारी फिल्म में मैं ये आई विल से यू कैन एवरीबॉडी कैन कोट मी देयर इज अबाउट 85% रियल एक्शन. वाओ 15% का जस्ट ट्वीकिंग अ VFX की. क्या बात है. तो जो रनिंग था हमने VFX में गाड़ी नहीं इट्स ऑल रियल एंड मेकिंग में आप लोग देखोगे एंड टाइगर को ऐसा भगाना था हॉरिजॉन्टली. ही हेल्ड वन रोप एंड ही रैन अप. व्हाई वी फिनिश्ड इन 1 आवर बिकॉज टाइगर आई कैन से इट. या बिल्कुल सर. इनका पूरा ब्लड हेड तक जा चुका था. अच्छा बिकॉज ऑफ दैट पॉस्चर एंड कई कांच टूटे थे गाड़ियों के. सो आई वॉज स्केर्ड एंड इन 1 आवर आई सेड टाइगर वी गॉट इट इनफ बट ही वॉज सेइंग सर कैन वी ट्राई वन मोर कैन वी ट्राई वन मोर बट होल डे ही हैड अ हेडेक because the blood was right up till his brains. So please guys, Taigi, I would like to stand up and clap for you. Love you bro, super. Thank you so much. And this film mein ek aur gana introduce kiya hai, usko remix kiya hai, 10 bahane karke le gayi dil. Acha hum sab apni zindagi mein kabhi na kabhi bahane lagate hi hai na, jaise ye bahane ho jate kabhi gear mein bimar tha, ye to purane bahane ho gaye. आपने वैसे लाइफ में कभी कोई बहाना लगाया सर किसी भी मौके पे चाहे काम है चारों से आपसे सवाल कौन सा खतरनाक बहाना लगाया आपने आज तक. मुझे जो इमिजिएटली याद आ रहा है डेफिनेटली मैंने एक बहाना लगाया था. वो शूट कर रहा था मैं कुछ 2 साल पहले एक गाने का. वो फिल्म का नाम था समझ गए ना.
नहीं समझे. तो वो एक्टर को नचाना था. समझ गए. हाँ. सॉरी. मैंने बहाना बनाया कि मेरे घुटने दुख रहे हैं क्योंकि मैं जब इनको डांस करते हुए दिखता था ना तो मैं ऐसे हो जाता था. और मैं कैमरा के पीछे रुक के बोलता था कपिल. क्या बोलता था? You have to live with that. क्या? I live with it. एनी से अरे थम्स अप किया. बोलता था I live with it. तो बहाना मेरा ये था कि मैं उठ के डांस नहीं दिखाऊंगा इनको क्योंकि आई वॉज सींग माई कोरियोग्राफी गेटिंग डिस्ट्रॉयड. अर्चना जी को करवा लो फिर. नहीं, आपका तो जिंदगी से विश्वास उड़ जाएगा. बट यू नो ये तो सब जानते हैं कि अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे कोरियोग्राफर हैं. यहाँ तक कि ये बताते नहीं है लेकिन ये सारा जो एक्शन है इस फिल्म का ये डिज़ाइन भी उन्होंने किया है. अच्छा. ऐसा नहीं है कि बाकायदा. वाओ. मतलब एवरी शॉट कि टाइगर इस तरह भागेंगे, ये यहाँ पर आए, ये पूरा बैठ कर ये खुद डिज़ाइन करते हैं अपना एक्शन. और इतना ही नहीं, ये बहुत अच्छे मिमिक भी है. हाँ, मैंने तो देखा हुआ है. दे दिया जाए माइक. बारी बारी से आज हम सब मिमिक करेंगे. कोई कैसा भी करे कोई नहीं हंसेगा. नहीं हंसेंगे, जो आपका मन करे. Why don't we do a conversation? Oh, that's cool, yeah. We'll talk about the Tiger and Shraddha. हाँ, ट्रेलर देखा है बागी थ्री का, सनी देओल साहब ने और शत्रु के सर ने. आई कैन डू शत्रु साहब और आई कैन डू आमिर, व्हाटएवर. शत्रु सर आई आमिर एंड सनी पाजी. अच्छा, आमिर और कूल. अरे यार सनी, तूने बागी का प्रोमो देखा? ये तो 10 साल पहले मैंने की थी. गजनी, ये बॉडी शॉडी तो मैंने बनाई थी. ये टाइगर को मैंने बोला था, इधर आजा बेटा मैं तेरे को लॉन्च करूंगा. जिस तरह इसने बॉडी बनाई, मेरे को फिर से लॉन्च होना पड़ेगा आज. ये टैंक के नीचे से क्यों जा रहा है? मैं होता तो टैंक को ये उठा के फेंक देता. अरे यार, लेकिन वो टैंक पे हैंड पंप ही नहीं तो कैसे उखाड़ेगा उसको तू? अरे तो तुझे दिखाई नहीं दिया उसका इतना बड़ा कुछ निकला था? वो क्या निकला उसका? वो पंप तो है. यार हर निकली चीज को तो उखाड़ में क्यों तुला होता है? क्या करूं यार, मेरे सामने सब चीज उखाड़ने के लिए लाते रहते हैं. कब करेंगे बंद लाना? सुपर सर, माइंड ब्लोइंग. क्या बात है, टू गुड. सनी मार देगा मुझे. इधर आ अहमद. शत्रु जी की फाइट देखी ना सर? ये आदमी है शत्रु जी का. हाँ. गुंडे को लेके आए. शत्रु जी के दो आदमी ने गुंडों को लेके आ गए. ये शत्रु जी के गुंडा और दो आदमी. अच्छा. भिशो, भिशो. एक बार तो मैंने शत्रु जी का गाना देखा, पता है? एक हीरोइन आ रही नाची. अब हीरोइन का ही डांस मूव है सिर्फ ना, तेर कुछ ऐसे कर रही है और शत्रु जी खड़े हुए हैं मफलर गले में. तो वो हीरोइन नाच की, जैसे ही हीरोइन ने ऐसे क्रॉस किया ना शत्रु जी, शत्रु जी कहते सर वी लव यू. श्रद्धा अभी आपको मिमिक करके बताएंगी. शत्रु जी की आवाज. शत्रु जी प्लीज श्रद्धा डोंट. रितेश भाई बहुत अच्छी निकालते हैं. टू गुड. चलो श्रद्धा. नाना पाटेकर. नहीं, नाना पाटेकर. मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इनको कैसे बुलाती हूँ कभी कभी. कैसे? तो हमारे सन साइन सेम है, पाइसीज फिश. तो मैं ऐसे करती हूँ,
Hi, Fishu. How are you, Fishu? How's it going, Fishu? So cute. बहुत cute लग रही है यार. वो तो ठीक है लेकिन टाइगर कैसे जवाब देते वो भी तो सुनना है. टाइगर कैसे बोलते हैं? टाइगर स्माइल करता है. टाइगर आपने कभी किसी की आवाज निकाली है ऐसे? नहीं सर, मुझे मुझे नचाओ कूदाओ कुछ भी कराओ ये सब मत कराओ. Sia, I love you, Sia. Sia, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ. मैं यहाँ. अबे दिल यहाँ होता है. मैं इधर आने लगा था यार, तुमने बीच में रोक दिया. चंदू. Sia. ये सब क्या है? मैं कैरेक्टर में हूँ. Sia. मैं आईने में अपना चेहरा भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हारा कभी भी नहीं. वो तो चेहरा है भी याद रखने लायक है ना. तेरा तो ये सैलून में गया दाढ़ी कटवाने, वो कहता रहन दो सर नंगा मुंह बड़ा गंदा लगेगा. वो सिया ये फटा. कैसी बातें कर रहे हो कपूर शर्मा? टाइगर सर, रितेश सर. सर क्या बात है श्रद्धा जी. हेलो अहमद सर. बागी 3 फिल्म बनाई आपने, कमाल कर दिया लेकिन थोड़ी छोटी नहीं बन गई? वो ट्रेलर है. फिल्म अभी आएगी. हाँ और तू ये सब क्या बन के घूम रहा है? आदित्य रॉय कपूर. मेरे फैंस से पूछ लो. क्यों फैंस? चंदू 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 चंदू. कहाँ तू का आदित्य रॉय कपूर? क्यों क्या कमी है आदित्य रॉय कपूर में? क्या बात है. अबे ये पूछ क्या कमी है तुझमें? मुझमें कोई कमी नहीं. आई हैव नो वीकनेस. कुदरत की दी हुई खूबियों का भंडार हूं मैं कपूर शर्मा. कौन सी कुदरत की खूबियां के तेरी नाभि में से पेट्रोल निकलता है? निकलता है. आपने टंकी फुल करवानी है? कपूर शर्मा कैसी बातें कर रहे हो यार. बरसात वाले सपने लेकर आया था मैं, सारे तुमने धूप डालकर सुखा दिए. ये बॉटल किसकी उठा के लाया तू? ये मैंने अर्चना जी की मैनेजर से ली है. वो मेरी वैनिटी से ले लेती है, मैं इनकी वैनिटी से ले लेता हूँ. आज कहाँ से लाया ये? सही से बता. आज मैं अपने सिया के लिए ये खरीद कर लाया हूँ. सिया. ये खरीद खरीद के कुछ नहीं लाता. ये पता क्या करता मैं आपको इसकी बात बताऊँ? ये जाता है वो जो होते नहीं माइन शॉप, वहाँ पे देखता रहता है किसने ज्यादा पिए, फिर उसको बोलता है तो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ. रास्ते में उसको सूंघ सूंघ के नशा कर लेता है. उतार ये चश्मा देखो ऐसे जा रहा है इसका. कपूर शर्मा मुझे ना तुम्हारी बातों से ना जेलसी की बदबू आ रही है. अच्छा वो तू गंदी फिनाइल से नहा के आया वहां से आ रही होगी. और लैक ऑफ नॉलेज. वो फिनाइल नहीं होता. हाँ? उसको वो बॉडी वॉश कहते हैं. बॉडी वॉश. मेरे फ्रेंड ने कल ही लंदन से भेजा है मेरे लिए. एमएस सर आपको मैं बताऊं, वो इतना कमाल का बॉडी वॉश है, उससे चाहे आप फ्लोर धो लो, चाहे बर्तन धो लो, चाहे गाड़ियां धो लो, सबको चमका देता है. वाओ क्या बात. देखना जाने से पहले दो दो बोतल आपको ना बेच के गया तो मेरा नाम बदल देना. कपूर शर्मा वो दिन गए जब ये चंदू सारे काम करता था, अब चंदू एक स्टार बनने जा रहा है. अहमद सर मैंने डायरेक्टर का अभी ऑडिशन देकर आ रहा हूँ. मैंने ऑडिशन दिया, डायरेक्टर इमोशनल हो गया है. रितेश सर जी उसकी आंखों में से पानी आने शुरू हो गया. ऑडिशन में जाके प्याज काटेगा तो यही सब होगा. ओ चश्मा ठीक कर यार मुझे चक्कर आ रहे हैं. कपूर शर्मा मैं जा रहा हूँ बस, मैंने नहीं करना यहाँ काम. क्यों? अब मैं अपना शो शुरू करूंगा. कल ही मेरी सोनी साहब के साथ मीटिंग हो गई है. हरते देखी मैं 20 साल से मेरा दोस्त है. आई एम चंदू सर्वाइवर. मैं सर्वाइव कर रहा हूं मैं. बस अब मेरी सोनी साहब के साथ मीटिंग हो गई है. हाँ, मीटिंग में तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था? चल निकल बात. ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा तो नहीं, ऐसे थोड़ा किया था. वो नहीं, 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 मीटिंग नहीं, धक्का मुक्की कहते इसको. सर मेरी टाई ठीक कर रहे थे वो. नॉट खराब हो गई थी मेरी मेरी. वो आप बाद में जो राउंड टेबल मीटिंग हुई वो बताओ. उसके बाद उन्होंने उठा के बाहर फेंका इसको. फिर इतना बेशर्म ना कपड़े झाड़ के था. कल फिर इसी टाइम आऊं या थोड़ा पहले आ जाऊं? रितेश सर जी सब झूठ बोल रहे हैं. और कपड़े ना मैंने झाड़े ही नहीं थे क्योंकि कपड़े मेरे उन्होंने पहले उतरवा लिए थे. मैं पत्ते बांध कर घर आया हूँ. हैं? तू बेशर्म, तेरे को शर्म नहीं है तू पत्ते पहन के घर पे आया? अच्छा क्यारा आडवाणी पत्ता पहने तो कैलेंडर की मॉडल बनती है. चंदू पत्ता पहने तो बातें बनती है. कपूर शर्मा पत्ता पहनने में बुराई क्या है? मैंने तो वो नारा भी दिया है बाद में. क्या? गो ग्रीन जाय ग्रीन.
खैर कपूर शर्मा, अहमद सर जी, इधर मैंने शो शुरू किया अपना, आपकी पूरी टीम को इनविटेशन है रितेश सर जी, सर आप टाइगर सर, श्रद्धा मैम आइए मेरे शो में, यहाँ से जब फ्री होएंगी तो इंटरव्यू करना ही, उनकी टांगे नहीं दबानी उधर आइए, इधर आए तो इधर ही कर ले इंटरव्यू, आ जा, तेरे को मना किया तो इतने मोती इतने धागे बांधे काम फिर नहीं बन रहा कुछ आज। अच्छा उसने देखो अपना हाथ जेब में डाला हुआ है। मेरा स्टाइल है ये, बाहर निकालो, मेरा स्टाइल है ये। अरे बैठ, ये रात को सोता लोग चादरें चढ़ा जाते हैं इस पे, आ जा। अच्छा रात वो तूने बिजनेस शुरू किया था स्ट्रेट डॉग्स को अंडरवेयर पहनाने का, वो छोड़ दिया इंटरव्यू? एक तो उतार पहले, तेरे को लेदर की जैकेट सूट करती, तेरे रैशेज ना हो जाए, महंगी है इसलिए। टॉक प्रॉपरली यार, मैं चश्मा सीधा कर, मेरे को चक्कर आ रहे हैं यार। चलो इंटरव्यू शुरू करो जी। वेल सीधा होके बैठ, वेल इधर तू वो डायरेक्टर ऐसे बैठे हुए हैं, हीरो ऐसे चुपचाप बैठे, हीरोइन और वेल वेल क्या होता है, सीधा बैठ। इसका नहीं, इतना नहीं पता काली शर्ट के नीचे व्हाइट बनियान पहन के आया, शो अपना शुरू करेगा। मान ले ये तेरा शो है अभी, तो तेरा पर्सनल है चंदू शो, और इंटरव्यू शुरू करो। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा बागी थ्री की पूरी टीम का, जोरदार तालियां। खैर सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है ना? कोशिश करेंगे सर, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। तेरे को आती है? वो सब कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं वो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, सरकारी स्कूल वाली आती है ना इनको? सो एक्चुअली रितेश सर जी, सर टाइगर सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, पूछ पूछ पूछ। मैंने हॉलीवुड की मूवीज देखी है, पूरा इंग्लिश में पूछ, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आगे वाला पूछ रहा। मैंने अपने फैंस का भी तो ख्याल रखना कि नहीं। क्यों, उनको थोड़ी इंग्लिश आती है पूरी? क्यों नहीं आती उनको? पढ़े लिखे लोग मेरे फैन क्यों होंगे? क्या बात है, वाह। वेल टाइगर सर, रितेश सर, मेरा पहला सवाल कि मैंने हॉलीवुड की काफ़ी फिल्में देखी हैं, उसमें पूरा ग्रैंडर दिखाते हैं। एक सेकंड, ये नीचे कर, तेरी कूनी इतनी काली है ना। इंटरव्यू शुरू। चश्मा तेरा यार, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। मेरे शो में आइए, मैंने नहीं नहीं। अच्छा चंदू, और चंदू अरे मजा आ रहा। चलो चलो इंटरव्यू, चल मैं भी इनके स्कूल में ही हूँ, समझ ले मैं भी साथ में आया हूँ प्रमोशन करने आया हूँ। पिच अच्छे, पिच ना अपनी हो तो खेला नहीं जाता। तो तुझे क्या लगता है विराट कोहली घर से पिच लेके जाते हैं? पहले जैसे कह रहा था कि मैंने हॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ देखी हैं, उसमें काफ़ी ग्रैंडर वगैरह दिखाते हैं, फाइट सीक्वेंसेस काफ़ी होते हैं। आपकी मूवी का ट्रेलर मैंने देखा, उसमें भी फाइट सीक्वेंस कमाल। तो फाइट सीक्वेंस के बाद जब आप थक जाते हैं तो मसाज वाला पर डे कितने ले लेता वैसे? ये क्या बेवकूफों वाला सवाल पूछा तूने? तो मसाज वाले को पैसे नहीं देते, फ्री थोड़ी करता होगा वो? मैंने तो कभी फ्री नहीं की। हर पिक्चर का एक बजट होता है, इसलिए मैंने नो प्रॉब्लम। मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। ये क्या है? ये आईपैड है गरीबों का। डोंट डिस्टर्ब। वेल माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू श्रद्धा। श्रद्धा आप काफ़ी जैसे फॉरेन में शूट करती हैं, इंडिया में भी जाहिर सी बात है काफ़ी मूवीज आपने शूट की हैं, तो जब आप आउटडोर शूट करती हैं तो जो लड़का छाता लेकर आता है आपके साथ साथ, वो छाता प्रोडक्शन का होता है या हमें लेकर आना होता है? देख लो इसके सवालों में ना गरीबी कूट कूट के भरी है।
बकवास कर रहा है, चश्मा तेरा देख के मुझे, मेरा तो कह रहा है ऐसे बात करूं तुझसे कि हाँ सर हमारी नो प्रॉब्लम. तुझे पता है चश्मा उतरवा के ना अगर तू अपने मुंह पे एड लिखवा ले ना कि यहाँ पे रिचार्ज किए जाते तेरे को रेंट आए. खैर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू द डायरेक्टर. पहले का जवाब तुझे दो क्वेश्चनों का मिला नहीं, तीसरे में तुझे शो बंद कर देना चाहिए. यार सवाल पूछने देना कि फिर मैं. हाँ पूछिए पूछिए. सो अहमद सर एक काम कर, यहाँ पे टांका लगवा ले, टांका लगवा ले इधर, एक घुटने को टांका लगवा ले तेरा, तेरा बार बार नीचे फिसल रहा है तेरा, इतना तीखा घुटना तेरी पैंट ना फट जाएगी. सर एक्चुअली पता है चक्कर क्या, मेरी फैन फॉलोइंग बड़ी है. अपने रिश्तेदारों को फैन मत बोला कर. खैर अहमद सर माय क्वेश्चन, आपकी पिक्चर देखी कमाल की टेकिंग, तो अहमद सर आपकी पिक्चर में जैसे गोली लगती है तो ब्लड के साथ कपड़े सारे खराब हो जाते हैं, तो वो कपड़े अगर सेकंड हैंड खरीद ले तो वो निशान चले जाते हैं. मैं इंफॉर्मेशन चलो मेरी बात चलो 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 निकलो टाइम पे. मैं सवाल चेंज कर लेता हूँ यार पहली बात से. ये सोफा धुलवाइए पहले. तो सवाल पूछ रहा तू, छाता किसका, गोली चली जाती है. ठीक है सर, मैंने इधर इंटरव्यू इसने ना ही करने देनी है तो ना ही मैंने इधर करनी है. सो प्लीज आपकी पूरी टीम को बागी थ्री के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. तो आप प्लीज मेरे शो पे जरूर आना. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ने से पहले फिलहाल वक्त है इस फिल्म के एक और अहम किरदार को स्टेज पे बुलाने का. आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे. थैंक यू कपिल. अंकिता आप हमारे शो पे पहली बार आई हैं. जी हाँ. और आप बागी जैसी हिट फ्रेंचाइज में काम कर रही हैं. जी. तो कितनी खुशी हो रही है आज आपको मुझसे मिलके. मैं यही बताना चाहती हूँ कपिल, हमेशा सबसे पूछते हैं कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है. मैंने एक्चुअली कपिल के साथ काम किया है कॉमेडी सर्कस, इफ यू रिमेंबर. अच्छा हम लोग साथ थे और ये मेरी बहुत टांग खींचते थे, ट्रस्ट मी. और सिर्फ मेरे बर्थडे की बात की जाती थी उस टाइम, मुझे अभी भी याद है कपिल सिर्फ मेरे बर्थडे की बात करते थे. बट आई एम सीरियसली डालूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड हो रहा है कि मैं बागी कर रही हूँ और मैं यहाँ पर हूँ. थैंक यू वेलकम अंकिता. अंकिता वो सब ना वो वहाँ पे जो टीम थी वो ऐसा बोलते थे, मेरा तो मैं तो आपसे शुरू से प्यार करता हूँ. वो तो मुझे पता है मैम, पर ठीक है जो भी है मजे किए हमने. अच्छा जब आपको पता चला कि प्रमोशन करने के लिए आपको द कपिल शर्मा शो में जाना है. हाँ. तब आपके दिमाग में ये बात नहीं है कि कॉमेडी सर्कस में मैं चार लाइनें बोल के कपिल से बड़ा चेक ले जाती थी. और आज मुफ्त में कितनी सारी बातों के मैं जवाब दूंगी, आपके दिमाग में नहीं आए. आया मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करूं, मुझे जाना चाहिए नहीं, पर आपका शो इतना बड़ा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया. हाउ स्वीट. थैंक यू अंकिता. आई थिंक कपिल एक ऐसे इंसान है जिनको मतलब मैंने बनते हुए देखा है मैम. हम सब आप थी सबसे ज्यादा तो, और मैं इनका पार्टनर, मैं इनकी पार्टनर रही हूँ. और आई थिंक मेरा भी थोड़ा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मेरी वजह से कॉमेडी सर्कस जीते थे हम. अच्छा अंकिता जब नई नई सीरियल्स में आई थी तो हमने इनको बहू बनते हुए देखा था अलग अलग सीरियल्स में, फिर इनके फिल्मों में कैरेक्टर देखे, लेकिन ये आपका हॉट तार हमने आज पहली बार देखा. ये आपने आज के दिन के लिए बचा के रखा जी था. जी हाँ बस आज ही के लिए, मुझे आज के लिए बचा के रखा था. नहीं आज सिर्फ इसी के लिए मैं ऐसी बनी. मैंने सोचा भी कि मैं ऐसा कुछ पहनू की नहीं पहनू, बट देन आई थॉट इट्स ओके टू लुक सेक्सी. आप बहुत प्यारी लग रही हैं. थैंक यू. यस यू आर ब्यूटीफुल. अच्छा फिल्म स्टार्स को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ती हैं, आप सबको पता है, तो हम लोग कंफर्म करते हैं हमेशा सामने बिठा के. Okay. हम नहीं मानते सूत्रों के अनुसार वाली खबरों को. अफवाह ये है टाइगर आपके बारे में, ये अफवाह है कि आप जैकी चैन साहब के इतने बड़े फैन हैं कि पेंट के आगे ही नहीं पीछे भी चैन लगवाते हैं. फैन तो हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, जो कुछ भी करता हूँ स्क्रीन पर उन्हीं की वजह से करता हूँ मैं. पर ये तो गलत बात है. श्रद्धा आपके बारे में ये फाया कि फिल्म में टाइगर किक मार मार के जिन जिन के भी कपड़े फाड़ते हैं. हाँ. शूट के बाद आपको सबके कपड़े सिलने पड़ते थे. क्योंकि फिल्म में आपका नाम सिया है. ये फाहें उड़ रही हैं मार्केट में. कहां से कहां जॉइन किया. ये सच है. सच है. ओके. नहीं नहीं
रितेश आपके बारे में ये फायदा कि आपकी बिल्कुल सही है। पहले ही मतलब पहले ही सरेंडर कर रहा है। दे तो फायदा ये है कि आपकी डेब्यू फिल्म जो थी तुझे मेरी कसम, उसमें जेनेलिया ने आपको 6 बार थप्पड़ मारा था और आपने तभी डिसाइड कर लिया कि यही मेरी बीवी बनेगी। That's true, 6 बार जरूर मारा था एक्चुअली। ओके, सेकेंड थप्पड़ में हुआ था। अच्छा, लेकिन मेरा शौक ये था कि मैं देखना चाहता और कितना बेहतर मार सकती है ये थप्पड़। आप हाइट देखना चाहते थे, एक्सट्रीम कितना पड़ेगा अगर। करेक्ट, तो मैं बोला कि इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो इस लड़की से शादी कर लूंगा। अहमद सर आपके बारे में ये फाय कि आप पैसे बचाने के लिए किड सेक्शन में जाके शॉपिंग करते हैं। अहमद कह दो कि ये सच नहीं है। ये बिल्कुल सच नहीं है। नहीं है। ओके, ये फाय है। ओके अंकिता आपके बारे में ये फाय है कि आप जल्दी किसी बात पे पिघलती नहीं है क्योंकि आपका सरनेम लोखंडे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं लोखंडे हूँ और इतनी आसानी से मैं पिघल नहीं सकती। ओके, तो देखा हमारी अफवाहें सच भी होती है। बिल्कुल सच है। तो टाइगर आप जंप करने वाले स्टंट इतना अच्छा करते हैं, तो अफवाह ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो नए न्यू बोर्न कंगारू होते हैं उनको जंप की ट्रेनिंग देने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। ये अफवाहें नहीं, पर काश मैं उनसे ट्रेनिंग ले पाता तो जंप आया। श्रद्धा एक अफवाह ये कि स्त्री फिल्म करने के बाद जब आप पेमेंट के लिए प्रोड्यूसर के पास गई तो उसने कहा ओ स्त्री कल आना। That's nice. Good one. Very good one. क्या बात है, वाह। तो अभी तक वो पेंडिंग है। मुझे कल जाना है वापस। ओके रितेश आपके बारे में एक ये अफवाह है कि आप लड़की का रोल भी जब करते हैं तो कमाल का करते हैं। तो अफवाह ये है कि जेनेलिया जब भी घर पे किटी पार्टी रखती हैं तो आप लड़की का गेटअप लेके उनकी फ्रेंड्स में ज्वाइन कर लेते हैं और आप भी किटी पार्टी खेलते हैं। ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली इसमें सिर्फ एक करेक्शन है कि वो किटी पार्टी एक्चुअली मेरी होती है जिसमें जेनेलिया ज्वाइन करती है। अंकिता आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको नींद इतनी प्यारी है, आपको सोना इतना अच्छा लगता है, खड़खड़ भी सो सकती हैं। ऐसा पहले होता था मेरे साथ एक्चुअली, जब मैं शूट करती थी। अच्छा। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, तो मैं इनके साथ भी काम करती, मैं नींद में आती थी और ये कुछ बोलते थे और मैं लिटरली मैं ऐसे टाइम आ गया था कि मैं खड़े होके भी सो सकती थी। मतलब खड़े होकर ज्यादा हो जाता है। जो अंकिता बोल रही है मतलब डेली सोप जो करते हैं, मतलब इतना मेहनत करना पड़ता है बिकॉज एपिसोड टेलीकास्ट जाना है और उस समय इनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि समय पे शूट फिनिश करना। हैट्स ऑफ अंकिता, बहुत मेहनत करते हो आप। टाइगर आपके बारे में ये फायदा कि डिजाइनर जो हैं वो आपसे ज्यादातर नाराज रहते हैं क्योंकि बॉडी दिखाने के लिए आप बिना बात के शर्ट भी फाड़ देते हैं। नहीं, पर ज्यादातर मेरा एक ही दरख्वास्त रहता है कि मैं बहुत स्ट्रेची मटेरियल के कपड़े पहनता हूँ ताकि अच्छा। वो एक्शन करते हुए आसानी से कर पाता हूँ फिर एक्शन। यार ये चीज़ अच्छी है। यू नो इन आपको जरूरत नहीं है लेकिन लेकिन ये बात गलत है कि टाइगर की बॉडी, और ये एक्चुअली ये बॉडी सूट है, अंदर टाइगर मोटा ही है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये भी अफवाह है कि ये बात आपने जलसी की वजह से बोली है। ये अफवाह तो बिल्कुल ही नहीं। अंकिता एक अफवाह आपके बारे में और है कि डेली सोप कर करके आपके आंखों के आंसू सूख गए थे इसलिए डॉक्टर ने आपको फिल्म करने की सलाह दी। ये बिल्कुल सही है। मेरी ग्लिसरिन ले लेकर आंखें एक्चुअली खराब हो गई थी बिकॉज मैं इतना ग्लिस लेती थी, लेकिन इस वजह से मैंने फिल्म नहीं की सर, मैंने दिल से फिल्म को मैंने चूज की। ऑल द बेस्ट। अच्छा इसी के साथ अफवाहें जो हैं वो समाप्त होती हैं। कैसे आप लोग, ठीक है, मजे में, बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए हैं। ए लड़के लोग आओ, किधर है जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, नो टाइम, कम कम आओ। कल ए भी रखनो ना, ये इधर अहमद सर देखे अपने भांडुप का रेमो। ए सपना, ये सब क्या कर रही है? पेड़ लगा रही, दादा बोले थे ना पेड़ लगाने का, पेड़ लगाने का। हाँ। तो देखो हमने पेड़ लगाने की प्रथा चालू रखी है, दादा को बोल देना जाके। पक्का पक्का।
ये बंदे तेरे जाएंगे कि रुकेंगे सारी बात जाना रे हट रे इधर का ऐसे क्या खड़ा इधर चल बड़ा वेरी नाइस आलो मैया मैं वेरी नाइस दादा बोलते रहते पेड़ लगाओ दादा के खुद के घर में इतना खूबसूरत पेड़ है मैं तो चाहती हूँ बस इस पेड़ को एक झाड़ी मिल जाए और उसकी टहनियाँ पीली हो जाएं और दादा की गोद में तीन चार फल गिरे जिनको देखकर दादा भी बोले बड़ो मेरा बच्चा तो बड़ो मेरा बच्चा तो ऐसा बोलें कितना अच्छा लगेगा अरे 1 2 3 5 1 2 3 5 तू बोला बागी 3 है 5 लोग आए ले रहे इधर तो मैं 3 लोग पे बात बना के लाई थी अभी क्या बोलेंगे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे रहते हैं सर शादी का कार्ड पे 2 लोग का नाम रहता है पूरी फैमिली जाती फिर Hi, how are you? I'm good, how are you? Ankita Lokhande? Ji, haan, Sapna ji. My Sapna, Saturday, Sunday. Sapna, I want to tell you something genuinely. My papa is a very big fan. Seriously. Thank you. Thank you, very nice. Thank you, very nice. I see TV may you come before, no? Yeah, I see. Pahle aap aate hai jab. Yes, yes, yes. Taap serial chod ke filmo mein aai na? Mera chhawa hai Nala Supara mein. Wo bhi serial chod ke filmo mein aana chahta hai. Lekin aisa kar nahi pa raha hai. Kyun, kis wajah se? Usko serial hi nahi mil raha hai. But I like very talented, you know. She very nice, you. मैं सच्ची मैं पहले से जानते हम लोग कहाँ है साथ में ना. But मैं सच्ची बोलते हैं मैं दिल से एक बात बोले के सच्ची मैं मतलब टीवी में आना नाम कमाना उसके बाद फिल्मों में आके भी नाम कमाना कोई छोटी बात नहीं रहती. ये सब कैसे कर लिया मैंने कमा लूँगा. Oh my God! Thank you, thank you. नहीं नहीं लेकिन अंकिता मस्त काम कर रही है अंकिता के लिए जोरदार तालियाँ क्या बात है? Hi, how are you? Very well. You director very nice. Thank you. आपका picture है बहुत खुशी होएला मेरे को बहुत ज़्यादा लेकिन थोड़ा ऐसा दुख भी है अंदर से. क्यों? एक ही building में रहते आज तक काम नहीं दिया रे मेरे को. अच्छा सर मेरे को आपको पूछने का था यू कोरियोग्राफर फॉर रंगीला पिक्चर भी आपने खेला था ना जी जी हाँ सर उसमें वो गाना था तनहा तनहा हाँ जी उसमें सर जग्गू दादा को आपने ऐसा फ्रेंची पहनाया था सर छोटा शॉर्ट पहन के इसमें इनका शर्ट उतरवाया आप चाहते क्या सर नहीं नहीं आई मस्ट सर वन ऑफ बेस्ट डायरेक्टर है इनके लिए जोरदार ताली वेरी नाइस सर इतनी तारीफ की आपने ना हाँ तो नेक्स्ट फिल्म में आप भी शर्ट उतारेंगे एंड वील टेक यू इन आवर फिल्म सच्ची बोलते ऐसा बोल के जाते बाद में मिलते नहीं लेकिन मैं बहुत शाइनी है एक बार रोहित शेट्टी ने बोला था तेरे को पिक्चर में लूंगा मैं उनके घर में रोज जाके बैठ जाती थी मेरे को बोल बच्चन में लिए थे मैं आप तो सेम बिल्डिंग में रोज बैठेगी दरवाजे के बाहर अच्छा मेरे को आपको पूछने का था आप बागी वन में आप अपने गर्लफ्रेंड को इंसाफ दिलाए जी फिर बागी टू में आप अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाए फिर बागी थ्री में आप अपने भाई को इंसाफ दिला रही है एक और बागी बना के प्लीज सिद्धू जी को इंसाफ दिलाओ ना ट्रेलर में मैं आपको देखी आप इनका गले में ऐसे रुमाल बनते हैं ना हाँ इनको कुछ नहीं होते हाँ मेरा छावा है ना मुकेश उसके गले में रुमाल बंधा ना झाग निकलने लगा उसके मुंह से हाँ सच्ची उसके मुंह से ऐसा झाग निकला मैं झाग उठा के फिर मुंह में डाली उसके फिर उसके जान में झाग आई जान में जान आई हाँ वो झाग रहते ना झागी आती है बहुत ऐसा पतला हो गया है मालूम है सुड़केला हो गया है एकदम इतना पतला हो गया है ना मुकेश हाँ। वो जाके मुर्गी का अंडा भी ले आते हैं वो तो सब ले आते हैं नहीं उसके अंदर जाके लाता कैसे मेरे को क्या मालूम उसका ट्रिक रहेगा क्या हंसते आप लोग और रितेश हेलो कैसे घर में सब टिकटॉक है ठीक ठाक है सब अच्छा
ठीक है। मैं देखते हैं वीडियो सब इनका ना आता है ऐसा सब करते डांस वीनस ऐसा करते मैं बहुत लाइक करती है वीडियो नहीं इनको आई रियली लाइक यू हां मैं देखती हूं सच्ची बोलती है मैं अभी क्या सब लोग हैं तो शर्म आते हैं लेकिन कभी भी ऐसा जिनीलिया भाभी के साथ आपका झगड़ा हो जाए कभी आप कभी भी अकेलापन फील कर रहे हो आधी रात को भी आप मेरे को फोन कर सकते हो मैं सीधा जिनीलिया भाभी को फोन करके बोलेगी आप अकेला फील कर रहे हो मैं सच्ची बोल रही हूं ये क्या बहुत बारीकी वाला पंच था लोग समझते ही नहीं लेको जाए अपने घर पे तो ये लोग उसमें केक काटते कि उसमें भी चालान काटते ए सपना तू क्या फालतू बातें कर रही है नहीं मैं चेक कर रही थी कि लोग मेरे जोक पे हंसते कि फालतू बात पे भी हंसते क्योंकि एक रेपो बना रहते हैं ना लोग कोई भी बात पे हंसते लेकिन रेपो बने ला अच्छा है बाकी मैं पिक्चर में भी देखी आपको जब भी मुसीबत आती है आप रोनी रोनी चिल्लाते हम लोग कभी ऐसे हम लोग कुछ मुसीबत आती है ना हम लोग सोनी सोनी चिल्लाते और मेरा भाई है ना कृष्णा उसके दो बच्चे छोटे छोटे वो बाथरूम में जाते हैं वो धोनी धोनी चिल्लाते Hi, how are you? Very nice, I see you. ये एक साल से अपने बिजली का बिल नहीं भर पाई श्रद्धा मालूम है क्यों? ये जब भी बिल भरने जाती है काउंटर पे बोलते थे ओ स्त्री का लाना ऐसे रहते ऐसा हम लोग के पास स्त्री के और भी जोक्स है मैं सब बोलेगी ईयर एंडिंग है ना हमको खत्म करना रहता टैक्स पड़ता है नहीं तो अच्छा मेरे को एक और बात पूछने की थी श्रद्धा आपने बागी वन की थी तो उसके बाद लगता बहुत भागी ना आप इतना भागी के बागी टू की नहीं बागी थ्री में आ गई फिर आई आस्क यू क्वेश्चन वन सर आप अहमद सर कोरियोग्राफर थे फिर डायरेक्टर बन गए फिर फारा खान कोरियोग्राफर थे वो डायरेक्टर बन गए गणेश आचार्य कोरियोग्राफर थे वो डायरेक्टर बन गए तो अगर ऐसा कोई डायरेक्टर रोहित शेट्टी कोरियोग्राफर बन गया तो क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम तेरे को नहीं आर्टिस्ट लोग को कि हवा में गाड़ी में नाचना पड़ेगा ऐसा कौन नाचेगा कैसे ये वो आदमी सब ऐसा गंदा विंदा लिख के देते टोपी में बैठे ना सर आई हैव स्मॉल ब्यूटी पार्लर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है तो आप लोगों ने एक मस्त गाना भी नाचे हम लोग हिट हो गया आपका गाना रिमिक्स के लिए ना आपने वो हाँ तो हमारे पास रिमिक्स मसाज है इसमें क्या होता है इसमें कस्टमर कपड़ा उतार के हम तेल लगाते हाँ। फिर मेरी एक दोस्त है रिमी अच्छा मैं उसको बुलाती अच्छा तो रिमी जैसे आती है हाँ। और मसाज चालू करने वाली होती है उसका एक्स आ जाता है पीछे से तो रिमी और एक्स मिलके मसाज करते थे रिमिक्स मसाज फिर हमारे पास एक मसाज है नया चीटी हाथी मसाज इसमें क्या हाथी इसमें कस्टमर को हम लेटे थे और तेल की जगह उसका पीछे हम लोग हनी लगाते फिर अब हनी लगा के छोड़ देती फिर थोड़ा टाइम में चीटी वीटी आने लगती कस्टमर को ऐसा लगता कुछ तो है ले कुछ तो है वो मेरे को बुलाते बोले इधर है बोले मेरे पेट पे चीटी थी मैं बोलती हूँ हाथी बोले चीटी थी हाथी ऐसा चीटी हाथी मसाज फिर आपका एक और पिक्चर आया था अपना सपना मनी मनी जी तो वो मसाज है हम लोग के पास उसमें कुछ नहीं उसमें एक सपना रहती है जो पूरे साल मनी मनी करती रहती है 1 करोड़ दे 1 करोड़ कोई नहीं देता है तो हम लोग ये मसाज बंद कर दिया हम लोग हाँ। फिर हम नया मसाज चालू किए एक मसाज है मेरे पास इसमें क्या होता है मसाज अच्छा हाँ। इसमें क्या होता है हाँ वही है इसमें क्या होता है मसाज अरे नहीं इसमें होता क्या है होता क्या नहीं इसमें क्या होता है मसाज तो वही बता ना इसमें क्या होता है वो बता नहीं इसमें क्या होता है मसाज अरे जा रहे खुद कंफ्यूज है क्या बताएगी मैं जाने दे अच्छा फिर हमारे पास एक और मसाज है बागी मसाज इसमें क्या होता है हम लोग मसाज नहीं करते है पहली बात अच्छा ठीक है सीनियर लोग रहते इसमें कस्टमर को हम लेटे थे फिर हम बा को बुलाते
सीरियल से बात ये और वो फिर घी लगा बाघी मसाज करती है, बाघी मसाज। अब तू सोच रहा रहेगा ये मसाज तो मैं पहले भी बोल चुकी है। हाँ तो पहले भी तो आएगी थी ना बाघी, तो क्या हुआ? और ये मसाज मैं कम से कम 10 बार बोलेगी क्योंकि बाघी 10 भी आएगी और ये इस डायरेक्टर और ये लोग इधर आए। अब मेरे टाइम जाने का है, मैं चलती है क्योंकि बहुत लोग आते रहते। आपके वो कोरियोग्राफर है ना, वो कौन है, गणेश हेगड़े जी? हाँ वो भी आए थे हमारे पास पिछली बार, उनका हमने प्रेशर से मैसेज किया ना तो उनका हेगड़े बाहर आ गए। मेरे को इमीडिएट आई नहीं ऐसी है। बाय आएगा। एक बार जोरदार तालियां बाकी थ्री की पूरी टीम के लिए। आइए टाइगर। थैंक यू टाइगर, थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू रितेश भाई, थैंक यू अहमद सर, थैंक यू अंकिता, थैंक यू सो मच। ऑल दी बेस्ट आपको बागी थ्री के लिए भी और तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके आगे आने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।